हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है दीपावली और दीपावली के लिए आप लोग को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और दीपावली की मेरे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो, मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। मां लक्ष्मी आप लोग के ऊपर प्यार बरसाएं। और इसी तरह से जो रोशनी आती है दीपावली के दिन, उसी तरह से मेरे भी जीवन में और आप लोग के भी जीवन में हमेशा ही इसी तरह से प्रकाश जलते रहे। जो माँ लक्ष्मी से चाहिए वो माँ लक्ष्मी आप लोगों को पूरा करें। तो देख लीजिए, इधर हम पूजा करने के लिए रेडी हो रहे थे और तैयार व्यार होकर हम पूजा करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं दीपावली में। और अभी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सारा आज मैचिंग पहने, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, इसीलिए साड़ी तो पहनते नहीं आप लोग जानते ही हैं। बट तो यहाँ पे हम तैयार हो गए और जितना भी सामान आया था, मूर्ति लक्ष्मी जी का प्रसाद वगैरह सब उसी तरह सा था, क्योंकि हम निहाए नहीं थे। सुबह में निहा लिए थे और दिन में खाना उना खाए थे, तो सोचे कि अब एक बार निहा उहा कर हम पूजा वाला सामान सहारेंगे। तो यहाँ पे सब इसी तरह से रखा हुआ, अभी दिया निकालेंगे, प्रसाद निकालेंगे, वहाँ पे अभी चुनती बिछा उछा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी भगवान लोग को हम लाए थे, सब न्यू तो यहाँ पे लगाए हैं। और इस बार पूजा वाला हम इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि दिक्कत होता था, इस बार थोड़ा बड़ा मूर्ति लाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी सामान है सब हम सहार रहे हैं पूजा वाला, क्योंकि बच्चा लोग तो छू नहीं सकता। वो हस्बैंड जी बोले कि तुम निहाई हो तो तुम ही कर दो। तो कमेंट में बताइएगा और हम कैसे लग रहे हैं, और मेरा पूजा वाला जो आप लोग देखें वो कैसा लग रहा है। तो देखिए हम सब दिया निकालेंगे, दिया में जितना भी बत्ती है और घी सभी डालकर एक बार में रख देंगे। और यहाँ मेरी बेटी खड़ी हुई है और यहाँ पर बोल रही है कि हमको दो दो, लेकिन अभी दे नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, इधर गांव में शुभ लड्डू ही होता है, कोई भी पूजा पाठ में हमारे यहाँ लड्डू ही आता है, क्योंकि ये शुभ होता है। और मेरी बेटी गुस्सा हो रही है कि दो दो, लेकिन पूजा किए बिना कैसे दे दे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आज का वीडियो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और माँ लक्ष्मी आप लोग के ज़िंदगी में इसी तरह से उजाला भरते रहें, जो भी आप लोग चाहिए सब पूरा होते रहे। तो यहाँ पे देखिए सारा दिया हम निकाल रहे हैं, घी भरा हुआ है, इसीलिए एक डुबा कर भिंगो कर रख रहे हैं, फिर उसके बाद हम घी ऊपर से डाल दिए। और यहाँ पे अब देखिए कि हम पूजा करने के लिए सारा सामान सहार दिए थे, तो अब सोचे कि पूजा कर ले, क्योंकि घर में भी करना था और बाहर में भी पूजा होता है और दुकान में भी करना था। तो मेरे यहाँ सबसे पहले लक्ष्मी जी का पूजा हो जाएगा, उसके बाद तुलसी जी का, मतलब जहाँ जहाँ होता है सभी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हमें यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा था थोड़ा बहुत, तो हम अपने हस्बैंड जी से पूछ रहे थे कि और इसके बाद क्या होगा। तो कुछ अपने मन से भी किए, कुछ इनसे भी पूछकर सभी पूजा घर का किए, फिर लक्ष्मी जी के पास पूजा पाठ कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए फिर आरती किए। आरती करने के बाद मेरी बेटी घंटी बजा रही थी और हम आरती कर रहे थे। फिर यहाँ पूजा उजा हो गया और पूजा कर लेने के बाद फिर हम करेंगे आंगन में, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन ही सिर्फ सभी जगह दिया ही जलता है। और यहाँ पे भी मतलब पांच दिया जला, एक पीतल का और चार ठो मिट्टी वाला दिया जला। फिर यहाँ पे पूजा उजा कर लेने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आंगन में तुलसी है, तो हम तुलसी जी के पास आ गए और यहाँ पे पूजा की है। फिर तुलसी जी का पूजा हो जाएगा तो फिर बाहर में एक है जो वहाँ भी पूजा होगा, तो वहाँ भी करेंगे तो दिखाएंगे। मेरा गला फंस रहा है क्योंकि खांसी, मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम होते रह रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म मौसम कर रहा है इसके वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी जी का टीका वगैरह कर रहे हैं। और अब यहाँ पे सभी दिया जला लेंगे और दिया जलाने के बाद जाएंगे थोड़ा सा बाहर और वहाँ पे भी पूजा करेंगे।
फिर तुलसी जी कर लेने के बाद देखिए कि कल पे हम लोग दिया रखते हैं तो कल पे दिया रख दिए, फिर उसके बाद घर में हो गया। फिर देखिए बाहर आए तो बाहर में जिधर भी देखिए उधर सिर्फ लाइट लाइट नज़र ही आएगा। तो मेरे गली का कुछ इसी तरह का नज़ारा है। तो हम जा रहे हैं जहाँ पड़ी दिया जलाते हैं, पूजा होता है बाहर में, वहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दिया बत्ती जला दिए, जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ मतलब बहुत पहले से ही पूजा होते आ रहा है। और यहाँ पे कोई भी त्यौहार में यहाँ पड़ी मतलब पूजा पाठ होता है, इसीलिए परंपरा है मेरे घर का। फिर हम घर आ गए, घर आने के बाद सभी दिया जलाए और घर में जितने भी मतलब दहलीज होता है, दुआरी होता है, गेट पे सभी जगह हम घी का दिया रखें। फिर घी के दिया जला लेने के बाद दुकान में जाएंगे, तो दुकान में देख लीजिए हर जगह हम दहलीज पे रख रहे हैं, हर दुआरी पे हम दिया जला लेंगे। फिर उसके बाद में मोमबत्ती लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेन गेट है हम वहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम अंदर आए और वहाँ से सभी दुकान में पूजा करने वाला सामान लेकर और हम दुकान में आ गए। आप लोगों को पता है कि मेरा एक छोटा सा सिलाई का दुकान है, तो हम दुकान में पूजा किए। ये वाला मेरा बड़ा वाला मशीन है जिस पे हम सिलाई करते हैं, और दुकान का हर एक चीज़ मतलब पूजा किए, क्योंकि हर एक चीज़ लक्ष्मी है मेरे लिए, क्योंकि उसी से जो भी थोड़ा बहुत होता है हम लोग खुश रहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा वाला दुकान है जो बगल में, वो भी मेरा है, उसमें मशीन दो ठो रखा हुआ है लड़की लोग को, तो उसमें जाएंगे अब। और वहाँ जाने के बाद यहाँ पूजा कर लेने के बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे दोनों मशीन पे प्रसाद चढ़ाए और घी का दिया दीपक जला, मिट्टी वाला दिया जला। फिर उसके बाद मोमबत्ती जलाएंगे बाहर में, मतलब जो दुकान का दुआरी है वहाँ पे जलाएंगे, अंदर घी का और बाहर मोमबत्ती वगैरह। बाहर में भी जलाएंगे लेकिन साथ में मोमबत्ती भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम शाम को खाना बनाए थे, तो कुछ नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चा लोग बोल रहा था खाने का मन नहीं, इसीलिए पूड़ी और आलू पटल का भुंजिया बना रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही सकते हैं, जिसका खुद का दुकान है, छोटा हो या बड़ा हो, अपना अपना ही होता है। तो हम दुकान से आए तो थोड़ा सा लेट हो गया था इसीलिए, क्योंकि मुझे नहाना वहाना भी था, पूजा वूजा भी करना था, क्योंकि जो भी करना है हमें ही करना है। तो इसीलिए सबसे पहले सोचे कि हम खाना बना लें। और इधर देखिए कि मेरे हस्बैंड जी इधर मेरा हेल्प कर रहे हैं, वो भुंजिया काट रहे थे, तो हम लोग दोनों मिल कर झटसना देख लीजिए। तो हम लोग सारा काम करके पूजा पाठ करके खाना पीना बना कर बाहर में मोमबत्ती लगा दिए। फिर इस तरह से देख लीजिए मेरा गली में और जो भी मेरा दीवार है सभी जगह मोमबत्ती जला, और इधर देख लीजिए लाइट वगैरह सब लगा हुआ है। तो हम लोग में गांव में इसी तरह से कुछ पूजा होता है। और फ्रेंड सुबह में देखिए जो मेरा गेट था, जब से लगा था पेंट नहीं हुआ था, बारिश वारिश के वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हम बोले कि अब पेंट कर दीजिए इस बार, क्योंकि हर बार सोचते थे तो कभी ये नहीं रहते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन इस बार सोचे कि करवा लें तो पेंट कर रहे हैं ये। और इधर यहाँ पे देखिए, उसके एक दिन पहले मेरा एग्ज़ाम था, तो हम एग्ज़ाम देने गए थे, तो स्टेशन पे थे, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लिए थे, तो सोचे कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करें। तो यहाँ हम एग्ज़ाम देकर रिटर्न घर जा रहे थे, तब का वीडियो है एक है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए मेरे बच्चे लोग का फ़ोटो है, जब तारा चंडी गए थे तब का, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे कपड़ा उपड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि सुबह में जितना भी धोए थे तो शाम का समय हो गया था, तो सोचे कि सब उठा कर रख दें। और यहाँ पे मेरा आंगन में इतना ज़्यादा करेली है, देख लीजिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक।